हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट माय नेम इज शाहीन एंड इन दिस लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सो इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट और सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज शॉर्ट टर्म सोर्सेज लीज फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल बजटिंग इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम और भी सारे टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कौन कौन सी और मार्केट्स को हम लोगों को डील करना पड़ता है तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब होता है एक जगह एक ऐसी मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर ये बायर है और सेलर मीटअप का हो रहे हैं करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करने को हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट और जब ये एक मार्केट में एक जगह पे होती है तो इसको बोलते हैं हम क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज चेंज होता है बदले जाते हैं एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में बदली जाती है तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट नाउ एवरी कंट्री हर कंट्री को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है और इट इज़ नेसेसरी और ये ज़रूरी है कि हम ग्लोबल मार्केट के अंदर जुड़ सके और ज़रूरी है कि आप एक कंट्री की करेंसी को जब दूसरी कंट्री की करेंसी में डील करें तो जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं उनको भी समझ सके नाउ ऑल्सो दैट्स द ओनली वे ये एक लौता रास्ता है जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज क्या होती है डील करती है फॉरेन कंट्रीज चेंज करती है लेकिन ऑर्डर गुड्स वो क्या कर रही है एक इम्पोर्ट कर रही है दूसरा एक्सपोर्ट कर रहे है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अमेरिका से कोई सामान मंगा रहे हो तो आप इंडियन रुपीज़ में उनको पे करोगे इंडियन रुपीज में तो आप पे करोगे नहीं आप किस में पे करोगे अमेरिकन डॉलर में पे करोगे और जब आप यूएस डॉलर में पे करोगे तो उस टर्म में आपके पास यूएस डॉलर होने चाहिए तो आप अपनी इंडियन करेंसी दे करेंसी को परेज करते हो तो वो वाला कहलाता है आपका जो है, वो जरूरी है ग्लोबल फंक्शनिंग के लिए क्योंकि डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट करेंसी होती है और एक कंट्री की करेंसी को चेंज करना पड़ता है दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया इज वेयर वो जगह है जहाँ पे हम डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी को एक्स क्या करते हैं सेल और परचेज करते हैं इन्वेस्टर क्या कर रहा है सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है अलग अलग करेंसी को और ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट में भी हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज उसके बाद देखो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसका मतलब ये है कि ग्लोबल करेंसी मार्केट प्लेस एक ऐसी मार्केट प्लेस है जो कि ग्लोबल लेवल पे है कहीं पे भी कोई भी करेंसी का एक्सचेंज कर सकता है नाउ द एक्सचेंज रेट चेंज विद द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस जो एक्सचेंज रेट है जो बदल बदल रहा है एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में वो क्या बोला गया है वो किसके हिसाब से सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के हिसाब से फ्लक्चुएशन आती है मार्केट में द रोल ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट जो फॉरन एक्सचेंज मार्केट का जो रोल है इंडिया में इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरन करेंसी इट इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज ये आपको बताती है इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो दूसरी कंट्री की करेंसी में अगेन फिर वो ये सारी बातें लिखी है फ़ॉरन एक्सचेंज मार्केट डेफिनेशन क्या बोल रखा है कि एक्सचेंज मैकेनिज़्म इट हेल्प्स ये क्या आपको मदद कर एक्सचेंज करने के लिए सेल करने के लिए बाय करने के लिए कंट्री की करेंसी को इधर उधर बदलने के लिए आप फॉरन एक्सचेंज मार्केट जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको बदल दिया जाता है मतलब इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर में द रेट्स फॉर मोस्ट करेंसीज वो जो रेट होते हैं जिस रेट पे बदला जाता है अलग अलग कंट्री की करेंसी में वो चेंज होते रहते हैं और फ्लोटिंग चेंजिंग और फ्लोटिंग क्योंकि वो जो रेट होते हैं वो एक जैसे नहीं होते वो रेट क्या होते हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट डिमांड और सप्लाई ये किसके हिसाब से होते हैं मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई के हिसाब से पार्टिसिपेंट जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होते हैं वो कौन कौन हो गए ज़्यादातर फाइनेंशियल बैंक्स हो गए इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं डीलिंग कर रहे हैं नाउ द नेक्स्ट वन इज वो कौन से फैक्टर्स हो गए जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं बढ़ने बढ़ने या या घटने घटने पे उनको फरक पड़ता है। वो कौन से से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके फॉरेन एक्सचेंज पे फर्क पड़ता है जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लेशन आ गया महंगाई हो गई तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज पे फर्क पड़ेगा जीडीपी का बढ़ना घटना हो गया ट्रेड बैलेंसेस हो गए आर असेंशियल फैक्टर्स ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब आप किसकी बात करते हो फॉरेन एक्सचेंज की तो अगर इन्फ्लेशन हो गया जीडीपी बढ़ गई ट्रेड बैलेंसेस हो गए तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होगी अ कंट्री फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज नेसरी इट कैन स्ट्रेंथन और रिड्यूस द करेंसी वैल्यू करेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटा देते हैं बढ़ाना या घटाना किसके हाथ में होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स के अनिभाव हाथ हाँ में होता है न पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क वगैरह हमने पढ़ा था ऐसे ही पॉलिटिकल फैक्टर्स है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉजिटिव मेजर होता है करेंसी इनस्टेबिलिटी के लिए गिव्स राइज टू बैड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एज वेल मतलब अच्छी परफॉर्मेंस या बुरी परफॉर्मेंस पॉलिटिकल इंपैक्ट पे भी मान लो अमेरिका ने कोई पॉलिसी लेके आए पॉलिटिकली तो वो एनी और इन्फ्लुएंस करेगी थ्रूआउट द कंट्रीज ऑल ओवर द कंट्रीज फ्लक्चुएशन लेके आएगी तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन होती है नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं जैसे कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन कैन अफेक्ट द फॉरेन मार्केट इट अफेक्ट्स डिमांड एंड सप्लाई आपने देखा इकोनॉमिक फैक्टर्स बड़े ही ब्रॉड लेवल पे अफेक्ट कर रहे थे ठीक है इकोनॉमिक फैक्टर्स मैक्रो लेवल पे अफेक्ट कर रहे थे लेकिन ये वाले जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है मेरे माइंड सेट डिमांड और सप्लाई पे अफेक्ट डालते हैं क्योंकि मैक्रो लेवल पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा तो एनी हाउ माइक्रो लेवल पे भी वो इम्पैक्ट जाएगा द डेवलपमेंटल फैक्टर्स डेवलपमेंट फैक्टर्स कौन से हो गए बढ़ेंगे जैसे कि कंट्री की डेवलपमेंट परफॉर्मेंस के लिए अगर आप पॉजिटिव इंडिकेटर मतलब बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्ट्रेंथन करेगी और जो इकोनॉमी की करेंसी है करेंसी है वो भी क्या होगी स्ट्रेंथन होगी स्ट्रेंथन होगी तो वैल्यू एक कंट्री की करेंसी बढ़ जाएगी एप्रिशिएट हो जाएगी ज फॉरन एक्सचेंज का नेचर कैसा है मार्केट फॉरेन करेंसी में डील करती है ग्लोबल मार्केट प्लेस में और ये क्या करती है अलग अलग कंट्री की करेंसीज में डीलिंग करती है और अलग अलग कंट्री को एज अ पार्टिसिपेंट डील करती है तो ये तो क्लियर है नेक्स्ट इज दिस मार्केट इज डी देखो सेंट्रलाइज क्या होता है एक ही जो हब है और वो काफी सारे लोगों को डायरेक्शन दे रहा है ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं आप जब फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हो तो ये अलग अलग कंट्रीज में बटी हुई है तो ये सेंट्रलाइज तो होगी नहीं ये डिसेंट्रलाइज है अलग अलग लोगों के पार्टिसिपेशन के बाद चलती है तो ये हो गई आपकी डिसेंट्रलाइज ना द मार्केट रनस ऑन डिमांड मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होती है जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा था ना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई वाले फैक्टर को पढ़ा था ऐसे ही जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है ये कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के इन्फ्लुएंस के हिसाब से चेंज होती है

परचेज कर ले रहे हो ताकि कल को आप इससे बेनिफिट कमा सको ठीक है सेलिंग करेंसी आप इवन खरीद रहे हो बेच रहे हो और क्या कर रहे हो स्पेक्यूलेशन भी कर रहे हो फॉरेन इज अमंग द लार्जेस्ट जो फॉरेक्स मार्केट होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट प्लेस में वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस भी बोली जाती है तो ये हो गया इसका नेचर या उसके फीचर्स नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज किन किन से मिलके के बनाए तो फॉरेन एक्सचेंज में आपके कौन-कौन हो गए इन्वेस्टर्स हो गए एक्सपोर्टर्स हो गए दीस पार्टीज आर एट द बॉटम ये बॉटम में है दे आर द एक्चुअल यूजर ये इस्तेमाल कर रही है करेंसीज को ठीक है ये वाले जो एक्सपोर्टर्स हो गए इन्वेस्टर्स हो गए इंपोर्टर्स हो गए इमिग्रेंट टूरिस्ट क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में यूज कर रहे हैं ना एक्सपोर्टर को करेंसी चाहिए होगी ना अमेरिका के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमेरिका को सामान भेजने के लिए एक्सपोर्टर को फिर कमर्शियल बैंक्स क्या हो गए ये बैंक क्या करते हैं ब्रोकर्स का रोल प्ले करते हैं एक कंट्री ये कंट्री नंबर वन ये कंट्री नंबर टू ये हो गया बैंक बैंक दोनों कंट्री से डील करता है इसकी कंट्री को रिसीव करता है इसकी कंट्री को रिसीव करता है वन की कंट्री को रिसीव करके टू की कंट्री में चेंज कर देता है तो ये क्या हो गया एज मीडिएटर या तो फिर एज अ ब्रोकर रोल प्ले करता है दे फर्दर सेल टू द यूजर्स बेच रहे हैं ना जैसे कि भी मैंने बताया दीज बैंक्स आर आल्सो क्लियरिंग हाउसेस फॉर फॉरेक्स दस दे हैंडल द सप्लाई डिमांड इन द कंट्री और ये जो बैंक होते हैं ये क्या करते हैं डेली प्राइजिंग भी करते हैं फॉरेक्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स ना द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज फॉरन एक्सचेंज ब्रोकर कौन से होगा ये ब्रोकर मिडल मैन हो गए ठीक है फॉरक्स डील्स ये फॉरन एक्सचेंज की डील्स को क्लियर करते हैं बायर सेलर के बीच में कमर्शियल बैंक अप्रोच दीज ब्रोकर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक क्या कह रही है कह रही है कि इन ब्रोकर से कि आप खरीद लो फॉरक्स खरीद लो सेंट्रल बैंक से खरीद लो और दे वर्क ऑन कमीशन और कमीशन के बेस पे आप इस पे क्या करो काम करो सेंट्रल बैंक तो हब है फॉरेन एक्सचेंज का एवरी कंट्री हर कंट्री की करेंसी जो होती है वो सेंट्रल बैंक में सबसे ज़्यादा होती है ना उनको अपेक्स बैंक बोला गया है दे आर द कस्टडियन ये कस्टडियन है इनकी निगरानी में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रहता है ऑल्सो दिस बैंक इज़ इंस्ट्रोमेंटल इन दॉन्न स् मार्केट दे में डायरेक्टली इंटरवेन गे डायरेक्टली दखल अंदाजी दे सकते हैं टू प्रिवेंट सिग्निफिकेंट मार्केट एक्सचेंजेस अगर अनवॉरटेड एक्सचेंजेस लग रहे हैं या ऐसे अनरिस्ट्रिक्टेड कुछ रिस्ट्रिक्ट एक्सचेंजेस लग रहे हैं तो जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवेन कर सकता है नाउ द नेक्स्ट वन इसके बाद क्या बोल रखा है हिस्ट्री क्या है तो जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम था तो हिस्ट्री हम लोगों ने आपके लेक्चर में प्रीवियस वाले में कवर कर ली जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को डिस्कस किया तो फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो ग्लोबली 1971 में आया था फॉरेक्स मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया था इस टाइम पे इंडियन बैंक्स हैं उनको अलाउ किया गया कि आप डे टू डे के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो और उनके प्राइजेस भी डिसाइड करो दिस वॉज बैक इन नाइनटीन सेवेंटी एट एंड द फर्स्ट इंस्टेंस इन इंडिया फर्स्ट टाइम पे ये देखा गया था कि बैंक को ये अथॉरिटी दी गई कि आप इंट्रा डे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो 1990 नाइन्टी ब्रॉड इंडिया ग्लोबल मार्केट पे लेके चला गया 1990 इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट वाज़ बिकॉज ये क्यों हुआ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम लोग लेके आए थे ठीक है यहाँ पे हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह डील की थी 1991 में देट इज़ वाई यहाँ पे किया गया नाइनटीन नाइनटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया और द इंडियन रुपी पैकड रेट जो फ्लोटिंग था नाइन्टी टू में दिस वॉज अ पार्शल चेंज वो थोड़ा बहुत चेंज था और जो पूरी तरीके से आया वो फ्लोटिंग करेंसी आया 1993 में जहाँ पे क्या किया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आया था जहाँ पे आपकी एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज करने की अथॉरिटी मिल गई नाउ द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज कितनी टाइप्स की फॉरेक्स एक्सचेंज होती हैं स्पॉट मार्केट स्पॉट मार्केट अलाउ करती है क्विकेस्ट एक्सचेंज आराम से आप जल्दी से ट्रेड को एक्सचेंज में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन फिर भी यहाँ पे एक दिन या दो दिन का टाइम लगता है आपकी पैसे को कन्वर्ट होने में करेंसी को एक्सचेंज होने में इट प्रोवाइड पेमेंट तुरंत इमिजिएटली पेमेंट दे देती है बायर को भी सेलर को भी लेकिन जो ट्रेड होती है वो एक या दो दिन लगा देती है और जो वन थर्ड होती है ट्रांजेक्शन्स वो स्पॉट मार्केट से की जाती है नेक्स्ट इज फॉरवर्ड मार्केट फॉरवर्ड मार्केट कौन सी मार्केट है दियर ट्रांजेक्शन इन दिस मार्केट आर डिसाइडेड अर्लियर पहले से ही प्राइजेस डिसाइड कर लिए जाते हैं स्पेसिफिक डेट स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक मेचोरिटी डेट और स्पेसिफिक प्राइज डिसाइड कर लिए जाते हैं ताकि जो फ्लक्चुएशंस हो रही है आपकी ट्रेडिंग के अंदर उसको दूर किया जा सके ठीक है इट हैज़ क्या हो गया पहले ही मैंने डिसाइड कर लिए कि मान लो फिफ्टी रुपीज़ का कोई सामान है फिफ्टी रुपीज़ का कोई सामान है तो मैं बोलूंगी थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर मुझे फिफ्टी का ही चाहिए भले ही प्राइजेस बढ़े भले ही प्राइजेस गिरे मुझे फिफ्टी रुपीज़ का ही ये सामान चाहिए तो क्या बोल रखा है पहले ही डिसाइड कर लिया फ्यूचर में प्राइजेस एंड क्वांटिटी ऑफ फ़ॉरेक्स ट्रेड इट कैन बी किसके बारे में है किसके बीच में है ये दो इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकती है कंपनीज के बीच में भी हो सकती है गवर्नमेंट की एजेंसीज के बीच में भी हो सकती है बट दोनों पार्टी जैसे की ये पार्टी नंबर वन ये पार्टी नंबर टू ठीक है फॉरवर्ड जो होती है ना ये कस्टमाइज होती है ठीक है कस्टमाइज मतलब कस्टमर की नीड के हिसाब से चलती है दो कंपनी ने मिलकर ये डिसाइड किया ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये प्रोडक्ट की असेंबलिंग कंपनी है इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऐसा करना है मुझे प्रोडक्ट ना फिफ्टी रुपीज़ का थ्रू आउट द टाइम फिफ्टी रुपीज़ का ही बेचते रहना तो दोनों लोगों ने नेगोशिएट कर लिया और दोनों लोगों ने प्री डिसाइड कर लिया तो ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड मार्केट इसी की तरीके की एक होती है फ्यूचर मार्केट लेकिन फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है ठीक है फॉरवर्ड मार्केट और आपकी कौन सी है फ्यूचर मार्केट क्या कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि कहने के लिए दोनों बोले गए हैं कि ये स्पेसिफिक डेट के लिए होते हैं स्पेसिफिक डेट पे होगी मेचोरिटी और स्पेसिफिक प्राइस पे होते हैं तो ये भी एनी हाउ यही कह रहे है ठीक है आगे पढ़ोगे द फ्यूचर मार्केट फॉरेक्स ट्रांजेक्शन की तरह सिमिलर होती है फॉरवर्ड की तरह ही द ट्रेड डिटेल्स एंड टर्म्स आर ऑलरेडी सेट ये भी दोनों चीजें सेम है सेट है बट द डिफरेंस इज दैट दीज टर्म्स आर अनुट्रेबल क्यों क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में डीलिंग की जाती है ठीक है स्टॉक मार्केट के अंदर डीलिंग की जाती है तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिक डेट पे ही डीलिंग करोगे इवन स्पेसिफिक डेट के अलावा भी कोई डेट होगी मेचोरिटी से पहले भी मेचोरिटी डेट से पहले भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट होती है उसकी सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पे आप पहले भी इससे पहले भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो लेकिन जब आप फॉरवर्ड मार्केट में डिसाइड करोगे तो वो स्पेसिफिक डेट के हिसाब से ही होगी ठीक है स्पेसिफिक डेट पे ही होगी जितनी ट्रांजेक्शन बोली जाएगी वो सारी की सारी नाउ आगे बोल रखा है जो फ्यूचर मार्केट होती है डज नॉट अलाउड चेंजेस इसमें चेंजेस नहीं हो सकते मतलब जो फॉरवर्ड मार्केट है इसमें कहीं ना कहीं आप अल्टर्ड कर सकते हो चेंजेस ठीक है क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट की तरह नहीं होता यहाँ पे क्या है कस्टमाइज़ है कस्टमाइज़ है कस्टमर दोनों कस्टमर मिलकर डिसाइड कर रहे हैं तो ये अल्टर हो सकता है लेकिन यहाँ है मतलब आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे जो सिचुएशंस होती है ये कस्टमाइज होती है ये कस्टमाइज सिचुएशन होती है कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज्ड यहाँ पे कस्टमाइज सिचुएशन नहीं होती कौन सी सिचुएशन होती है स्टैंडर्डाइज्ड अच्छा अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी की तो कौन सी मार्केट ज्यादा लिक्विड होगी कौन सी मार्केट ज्यादा लिक्विड होगी ये वाली मार्केट लिक्विड ज़्यादा होगी ये क्यों क्योंकि यहाँ पे मैं कभी भी कभी भी अपनी ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकती हूँ तो ये कौन सी हो गई फ्यूचर मार्केट लेकिन यहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है कम ठीक है रिस्क किस में ज्यादा होगा रिस्क के चांसेस किस में ज्यादा होंगे तो रिस्क के चांसेस इसके अंदर क्या होते हैं ज्यादा क्यों क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत ही तेज़ी लेवल पे आता है स्टॉक मार्केट में या फ्यूचर मार्केट के अंदर लेकिन जब हम इसमें बात करेंगे तो रिस्क वाला भी सिस्टम क्योंकि प्री डिसाइडेड होता है तो रिस्क भी एनी हाउ मैनेज कर लिया जाता है इसमें स्पेक्यूलेशंस आती हैं स्पेक्युलेशन की वजह से ये किया जाता है स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि एकदम प्राइस का हाइक होना डिक्लाइन होना जिसके खरीदने बेचने पे आप पैसा कमाओगे और ये हैजिंग की टर्म्स में की जाती है ठीक है कम से कम आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज करने के लिए ठीक है तो फॉरवर्ड और फ्यूचर में आपको एनी हाउ डिफरेंस समझ आ गया होगा नाउ द ऑप्शन मार्केट हैज़ द ऑप्शन टू बाय एंड सेल आपने प्री डिसाइड कर लिया ठीक है मैंने आपसे डिसाइड कर लिया एक्स वाई जेड कंपनी ने ए बी सी से डिसाइड कर लिया या इंडिविजुअल मान लो ए ने डिसाइड कर लिया बी से कि क्या हो गया मैं फिफ्टी रुपीज़ का पेन खरीदूंगा तुमसे ठीक है तो अब मैं मान लो खरीदूँगा टू मंथ बैक टू मंथ आफ्टर टू मंथ खरीदूंगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये दो महीने बाद अगर तो प्राइजेस पैन के अप हो जाते हैं लो सेवेंटी का पेन हो गया तब आपके पास इसके पास ऑप्शन है कि भाई ये तो प्री डिसाइडेड था पचास में खरीदेगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है कि ये बाय कर ले अदरवाइज़ अगर प्राइस गिर के थर्टी रुपीज़ होते हैं तो इट हैज़ एन ऑप्शन ही हैज़ एन ऑप्शन कि वो उसको परचेज़ कर भी सकता है और नहीं भी तो द ऑप्शन मार्केट अलाउ एन इन्वेस्टर एन ऑप्शन एक ऑप्शन दे रहा है टू सेल अ सिक्योरिटी और टू बाय सेल भी कर सकता है बाय भी कर सकता है इट फिक्स द टाइम पीरियड टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया प्राइस डिसाइड कर लिया टाइम पीरियड कितना था टू मंथ और प्राइस कितना था फिफ्टी रुपीज दिस मार्केट अलाउ द इन्वेस्टर ये मार्केट अलाउ करती है इन्वेस्टर को कि आप सेल कर सकते हैं अगर तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेल करो और अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप मत सेल करो ना स्वैप मार्केट द स्वैप मार्केट हैपन्स विद अ कॉन्स्टेंट बोरोइंग जब आप बोरो करते रहते हो एक कंटिन्यूस मैनर में एंड लैंडिंग आप खरीद रहे हो बेच रहे हो मतलब उधार पे ले रहे हो और फिर दोबारा से बोरो कर रहे हो तो इन्वेस्टर कैन बोरो वन करेंसी एंड पे देयर ऑब्लिगेशन अनदर करेंसी इट अलाउ इज एंड अवॉइड्स फॉरन कंट्री करेंसी मतलब मैंने क्या किया बोरो किया यूएस डॉलर में और फिर इसको इंडियन रुपीज़ में क्या कर दिया लैंड कर दिया तो यहाँ से मैं कुछ प्रॉफिट कंसेशन कर रही होंगी तो उसको ये जो मैं प्रॉफिट को कंसीडर कर रही हूँ तो ये होता है स्वैप मार्केट के अंदर नाउ द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या क्या फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन क्रेडिट फंक्शन हैजिंग फंक्शन एंड मैनेज रिस्क सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन को समझते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज का फंक्शन है ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है रीज़न इज़ इट अलाउ ये आराम से एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज कर सकता है तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस होती है जो चेंज हो जाता है वो तो स्मूद हो जाता है स्मूद एक्सचेंज एंड सेटलमेंट ऑफ़ करेंसी बिटवीन कंट्रीज और ये कन्वर्ट कर सकता है डिफरेंट कंट्री की करेंसी को तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज करना ये ट्रांसफ़र फंक्शन में आ जाएगा क्रेडिट फंक्शन आप उधार पे ले सकते हो शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह हेजिंग फंक्शन हो गई जब एक मार्केट से आप कोई भी चीज खरीदते हो और दूसरी मार्केट में सेल करते हो तो वहाँ से जो प्रॉफिट कमाते हो वो हेजिंग फंक्शन में आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डस अ हेजिंग फंक्शन इट इंश्योर्स दैट जो फॉरेन एक्सचेंज है डस हैव सिग्निफिकेंट चेंजेस दिस हेल्प द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मिनिमाइज करे और मैनेज रिस्क रिस्क को भी कम करने का काम जो कि फ्यूचर और फॉरवर्ड वाली मार्केट कर रही है ना वो काम भी इसका होता है ना मीनिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया क्योंकि ये कहीं ना कहीं हैजिंग की टेक्निक्स होती है अभी हमने पढ़ा ना हैजिंग की टेक्निक्स होती हैं तो आपसे सिलेबस uh, में आपका सिलेबस में ये भी पार्ट है हेजिंग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करना तो वो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अंडर विच जो क्वांटिटी प्राइस है हमने पहले ही डिसाइड कर लिया फ्यूचर डेट में पे करेंगे दे आर कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी ट्रेडेड किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो स्टॉक कमोडिटीज़ करेंसी एटसेट्रा ठीक है फिर क्या बोल रखा है फर्दर मोर जो पार्टीज होती है वो लीगली बाउंड है एक जो डिफरेंस है उसका इसमें ये ऐड कर सकते हो ठीक है कहाँ पे हमने पढ़ा था ये वाला कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड मार्केट होती है जो फ्यूचर मार्केट होती है ये लीगली हो जाती है लीगली बाइंडिंग होती है जबकि इसमें इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ठीक है ये वाला पॉइंट है फिर इन्होंने बोल रखा है द स्टैंडर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ़ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आएंगे। ट्रेड का वॉल्यूम पहले से डिसाइड होगा डिलीवरी डेट क्रेडिट कैसे प्रोसीजर कैसे आप लोन पे करोगे ये डिसाइड होगा अदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और भी कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन होगी तो वो भी पहले से ही डिसाइड होगी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो गया एक ऐसा एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में खरीदा बेचा जाएगा द अंडरलाइंग असेट स्टॉक कमोडिटीज एटसेट्रा स्पेसिफिक प्राइस पे और स्पेसिफिक टाइम पे और इस कॉन्ट्रैक्ट को यू विल नो द प्रॉफिट और लॉस इससे आपको पता चल जाएगा सेटलमेंट के टाइम पे ऑल दो दीज कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट ट्रेडेड ऑन सेंट्रलाइज बट आर कंसिडर्ड ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट इनको हम ओवर द काउंटर्स इंस्ट्रूमेंट भी बोले जाता है ठीक है और इसके अंदर क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो सेटलमेंट होती है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस को लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपकी की जाती है तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज की बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया और हैजिंग टेक्निक्स को भी डिस्कस किया इन डिटेल ठीक है इसके अंदर और पॉइंट्स हैं हाँ सिमिलेरिटीज भी रह गई ये भी हम लोगों ने सिमिलैरिटीज पढ़ लेते हैं जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर में किए जाएंगे अभी हम ट्रांजेक्शन ले रहे हैं फ्यूचर में करे जाएंगे और दोनों ही एग्रीमेंट बाय और सेल डेरिवेटिव्स के लिए होते हैं फ्यूचर में दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट रिस्क को बचाने के लिए होते हैं फ्लक्चुएशंस की वजह से जो रिस्क हो रहा है दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इस एजम्शन पे किए जाते हैं कि प्रा, प्राइस आज डिसाइड कर लो लॉकअप कर लो नाउ बोथ दीज कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द बायर एंड सेलर टू एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन दोनों ही जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि आज ही डेट डिसाइड हो जाएगी कि कब आप इस ट्रांजेक्शन को फुलफिल करोगे सो ऑल दीज पॉइंट्स ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के थे अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो और अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की प्रीवियस लेक्चर्स में भी डाउट हो रहे हैं तो आप लोग उसको भी बता सकते हो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग